गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करती हूँ सब अच्छे रहो, सेफ रहो। सो गाइज आप सब देख रहे हो मैं शादी व्लॉग डाल रही हूँ और मैंने शादी में क्या क्या एंजॉय किया, हमारे यहाँ क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हल्दी का फंक्शन हुआ और लड़की नहा कर आ गई है, तो नहा कर आने के बाद यहाँ लड़की का मामा जो है वो गोदी लेके उतारेंगे और क्या क्या फंक्शन होगा आप सब देखना। तो भात नूतने का आपने देख ही लिया कैसे भात नूता गया, लड़की की बहन ने भात नूता, वो यानी कि उसने हमें निमंत्रण दिया कि आप भात लेकर हमारे घर आओ। तो यहाँ पर लड़की नहा के आ गई है और यहाँ पर ये पाटा में खड़ी रहेगी और जो मेरे चाचा ससुर है यानी कि इसके मामा जी वो गोदी लेकर यहाँ पर जो दो ये नीचे रखा हुआ है ना दिया, इस पर पैर रख कर इसे उतारेंगे और दिया को फोड़ेंगे। सो गाइज तो आप सब देखना यहाँ बहुत अच्छे से सारा चीज़ होता है, उसके बाद फिर हम भात लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम शादी घर में आए तो ही भात नूत दिया गया, वरना भुआ जी रहते तो भुआ जी हमारे घर आते और भात नूत के जाती। तो यहाँ पर भात भुआ जी की बेटी ने नूता, उसने अपनी माँ की पूरी जिम्मेदारी निभाई। एक बड़ी बहन ने माँ बनकर अपनी छोटी बहन को विदा किया, कन्यादान दिया और ये दीदी बहुत छोटी है, आप देख सकते हो इनका भी उम्र बहुत कम है, फिर भी उन्होंने माँ का फ़र्ज बखूबी निभाया और ऐसी बहन भगवान सबको दे। और बहुत अच्छे से पूरे घर में इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं बट सबको रखते हुए मैनेज किया। तो चलो अब आप देखना कि मामा कैसे दुल्हन को गोदी से उतारते हैं और क्या क्या मस्तियाँ होती है, आप सब सुनो और एंजॉय करो। तो गाइस आपने देखा ना किस तरह से मामा जी उतारते हैं नीचे, और यहाँ हम भात लेकर देखो तैयारी हो रही है। तो यहाँ हम सब सामान ले रहे हैं थाली में और भात की थाली तैयारी दीदी ने पहले ही कर दी थी, हमने सिर्फ पैसे दे दिए थे ताकि वो सारी सामान अपने पसंद की लेकर आ जाए। तो वो सारी चीज़ें अपने पसंद की लेकर आ गई थी और यहाँ हम सारी चीज़ों को लेकर गेट के पास खड़े रहेंगे। और वो जो दीदी है, ये देखो जितने भी मायके वाले होते हैं ना मामा घर से, यानी कि लड़की के मामा घर से जितने भी लोग होते हैं, उनकी मौसी, उनकी भाभी, भाई, जितने भी होते हैं मामा मामी, सब भात लेकर आते हैं। तो यहाँ देखो हमने थाली ले ली है हाथों में और जितनी सारी चीज़ें लाई हैं वो ले लिया है। और जो कंबल आपने देखा था स्टार्टिंग में वो आगे का सामान है, यानी कि आगे का सामान देते हैं लड़की के रिश्तेदारों को, तो ये आगे का सामान वो दीदी लोग ने पहले ही लेकर आ गई। और अब देखो भात हमारे यहाँ कैसे भरते हैं आप सब देखो। सो गाइज यहाँ देखो हम गेट के पास आ गए हैं और यहाँ चाचा जी के पास ये साड़ी है, तो ये साड़ी को है ना हम ऊपर टांगते हैं और ये साड़ी जो नेवगन या बामनी होती है वो ले लेती है। इस साड़ी को यहाँ पर टांग दिया जाएगा और इसके बाद हम हंसते खेलते जाएंगे और भात भरेंगे। और भात भरते समय दीदी बहुत रोई क्योंकि उस समय मम्मी की याद आ गई, बुआ जी का जो काम था वो बेटी ने किया तो कैसे आँख भर आई और कैसे यहाँ भात का सारा काम होता है आप सब देखो। और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ चाचा जी ने साड़ी टांग दी है और ये साड़ी जो भी नेवगन होती है वो ले लेती है। और यहाँ से फिर धूमधाम से ये देखो हम भात लेकर आ गए हैं और उसके बाद दीदी को याद आएगी मम्मी की और हम सब के आंखों में आंसू आ गए। तो आप सब इंजॉय सब पीछे पीछे
चलिए। इधर देखिएगा सब जन, इधर देखिएगा। काम हुआ कहा एकदम आंसू नहीं चाहिए, खुशी से चलो 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 जी। ये हंस के एकदम बढ़िया से जितना
तो गाइज आपने देखा किस तरह से भात नोता जाता है हमारे यहाँ। इस तरह से भाई भाभी को, मामा मामी को, सबको टीका निकालते हैं और मामा भाई सब चुंदरी ओढ़ाते हैं बहन को। तो ये सीन बहुत ही देखने लायक होती है। और यहाँ जो काम बुआ जी करने वाली थी वो काम बेटी कर रही है। आज बुआ जी होती तो बहुत खुश होती और एक एक करके इसी तरह से सबको टीका निकालती है, लिफाफा देती है और बहुत खुश होती है कि आज मेरे भाई भात भरने को आए हैं। और हमारे यहाँ ये जो फंक्शन होता है सबसे दिल दहलाने वाला होता है। इस समय जिसका भाई नहीं होता वो बहन बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा याद करती है कि मेरा भाई, आज इतना बड़ा दिन है कि मेरा भाई मामा भात लेकर आए हैं। तो ये बहुत बड़ा भाग्य होता है एक बहन के लिए कि उसका भाई भात लेकर आता है। ये सीन जो भी समझ सकते हैं उनको पता होगा कि क्या सीन होता है। और यहाँ सबके आंखों में आंसू आ गए और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा भी लग रहा था। बट इस समय बुआ जी को बहुत याद कर रहे थे सभी कोई। और आज इस बेटी ने, बिन माँ की बच्ची ने, अपने माँ का पूरा फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छे से सारा काम संभाला, बिल्कुल भी किसी को थोड़ा भी परेशान नहीं किया। और ऐसी बेटी भगवान सब माँ को दे कि अपनी छोटी बहन को इतने अच्छे से विदा किया, हम सबका इतना कदर किया, इतना ख्याल रखा। तो बहुत किस्मत वालों को ऐसी बेटियाँ मिलती है। और जो छोटी वाली बहन है जिसकी शादी हो रही है वो भी ऐसे ही बहुत प्यारी है। तो गाइज़ यहाँ पर इस तरह से सभी कोई को हम एक एक कर यहाँ पर खिलाते हैं और मुँह मीठा करते हैं। बात इसी तरह से हमारे यहाँ भात भरा जाता है। तो और उसके बाद फिर हम करेंगे घरवा की तैयारी। तो यहाँ पर देखो भात भरते भरते ही हमें 3 बज गए थे और फिर घरवा की तैयारी करेंगे और घरवा देने के बाद ही मैं कुछ खा सकूँगी और दुल्हन भी। तो यहाँ पर देख लो भात का काम हो गया है। तो अब यहाँ आ गया है घरवा का काम। तो घरवा मैं दूँगी। घरवा में हमारे यहाँ क्या नियम होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। घरवा किसे कहते हैं गाइस, घरवा जो होता है ना वो होता है कि भाभी जो होती है वो अपनी ननद को घरवा देती है। यानी कि जैसे मैं लड़की की भाभी हूँ तो कोई भी आप जो भी चाहे घरवा दे सकते हैं। घरवा देना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, बहुत बड़ा धर्म होता है अगर आप किसी एक लड़की को घरवा देते हो तो। और घरवा में कपड़े लगते हैं और घरवा में 5 गहने लगते हैं। और 5 गहनों में आप कुछ भी दे सकते हो, पायल, पोली, कान का अंगूठी और नथ। आप ये सब 5 गहने होते हैं जो कि बेटी की शादी में अगर आप घरवा देते हो तो बहुत बड़ा पुण्य के भागी बनते हो। तो वही पुण्य मुझे आज मिला और मैं आज वो घरवा दे रही हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात होती है घरवा देना। और घरवा में क्या क्या होता है वो आप सब देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे होता है। सो गाइज़ यहाँ देखो, यहाँ लड़की बैठ गई है और मैं यहाँ बैठ गई हूँ और यहाँ भाभी जी सारी चीज़ें निकाल रही है। ये सब सारी चीज़ें होती है ये लड़की को पहनाई जाएगी। यहाँ पर एक चांदी का जो भी सामान होता है, जो छोटा सा चांदी का सामान होता है जो कि लड़की के कान में और हाथों में पहनाया जाता है, तो वो जाकर जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसकी सासू खोल कर उसे रख लेती है और वो बहुत अच्छे से रखा जाता है। तो वही मैं देखो निकाल रही हूँ और वो सारी चीज़ें मैं नाल में उसको पोऊँगी और नाल में पोने के बाद मैं ये लड़की को पहनाऊँगी। मैं फिर मैं लड़की को क्या क्या पहनाती हूँ। और ये देखो ये जो कपड़े हैं ना ये घरवा का होता है, ये हमें देना पड़ता है। ये देखो ये घरवा का कपड़ा है और
इस डब्बे में गहने हैं जो कि मैं दूंगी, और ये है नाल और यही वो चांदी का सामान है जो देखो इस तरह से पोक के मैं लड़की के हाथों में बांधूंगी। और ये छोटे छोटे दो, इसे कांगला कुंजरी बोलते हैं, जो कि शादी में हम लड़की के देते हैं। और गाइज यहाँ वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था तो यहाँ वीडियो का मैं एंड करूँगी, और आगे में किस तरह से हमारे यहाँ घरवा पूजा जाता है वो आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत किस्मत वालों के नसीब में होता है जो घरवा देती है। घरवा देना बहुत ही पुण्य का काम होता है दोस्तों। हम किसी लड़की को अगर घरवा देते हैं ना तो हमें बहुत जन्मों का फल मिलता है। तो यहाँ इस तरह से हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, और जो घरवा देती है और दुल्हन वो दोनों ही भूखी रहती है, घरवा देने के बाद ही वो कुछ खाएगी। तो गाइस इस वीडियो के आगे का पार्ट जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप सब बोर हो जाओगे। और शादी का ये जो भी ब्लॉग है आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ मैं पूछ पूछ के सब कुछ कर रही हूँ, और आगे देखना बहुत अच्छे से सब कुछ होगा जो कि बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो बने रहना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।